नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस को ध्यान में रखकर के स्टैटिक जीके की क्लास। अंत तक रहे मेरे साथ, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि स्टैटिक जीके का पोर्शन है आपके सिलेबस में, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं। तो क्लास को शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, अंत तक मेरे साथ क्लास में बने रहें। तो देखते हैं एक एक प्रश्न को और समझते चलिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिखा है जो कि बच्चों को याद भी रहता है सामान्य तौर पर, लेकिन फिर भी पढ़िए आप स्टैटिक जीके को। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान में हुआ था, और वर्ष है इसकी 1896। 1896 में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, ठीक है। अभी इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, नया नाम हो गया इस देश का ग्रीस, यूरोप आदि में पड़ता है, और इसकी राजधानी अगर जाने तो एथेंस इसके कैपिटल शहर को कहा जाता है वर्तमान में, ठीक है। तो दो तरीके से इसको पढ़ा गया है खेलों को। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ या कहां पर हुआ, यह प्रश्न भी आता है, और आधुनिक ओलंपिक खेल, ये वाला पॉइंट मैंने लिया है आधुनिक ओलंपिक खेलों का 1896। यदि प्राचीन ओलंपिक खेलों का भी आ जाए प्रश्न, तो उसका भी आंसर यूनानी आएगा, 776 ईसा पूर्व में हुए थे प्राचीन ओलंपिक खेल, है ना, प्राचीन भी लिख लेना। दूसरा पॉइंट लिया हमने पहला फुटबॉल विश्व कप। फुटबॉल का बड़ा चर्चा रहता है, दुनिया का बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध गेम है। अगर बात करें तो क्रिकेट जैसे इंडिया में प्रचलित है, उसी तर्ज पर दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस गेम है फुटबॉल, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है फीफा। तो फीफा फुटबॉल विश्व कप पढ़ते हैं हम आमतौर पर से, 1930 में हुआ था और उरुग्वे में हुआ था ये, और इसी ने जीता था अगर जीतने की बात भी करें तो। इसकी राजधानी मोंटेवीडियो, ये राजधानी लिखी है मैंने, इसी राजधानी वाले शहर में इसका उद्घाटन मैच था मोंटेवीडियो में, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है उरुग्वे। उरुग्वे और पराग्वे और अर्जेंटीना, ये आसपास के कंट्री हैं दक्षिण अमेरिका के। अर्जेंटीना में जो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों का विस्तार इस देश में भी पाया जाता है उरुग्वे में। लेकिन एग्जाम में आपने देखा होगा पंपास शीतोष्ण घास के मैदान हमेशा अर्जेंटीना से पूछे जाते हैं, अर्जेंटीना उसके लिए आप पढ़ लेना, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी भी पीछे पुलिस के पेपरों में कई बार आई है, ब्यूनस आयर्स, उसकी कैपिटल लिख लेना। अर्जेंटीना के विषय में बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी गौ मांस की मंडी भी स्थित है उसमें, और पेंटागोनिया का पठार, जैसे भारत में हम पढ़ते हैं छोटे नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार भारत का रूर बोलते हैं, यानी कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है छोटे नागपुर के पठार में। पांच राज्यों के अंतर्गत आता है छोटे नागपुर का पठार, जिसमें सर्वाधिक कोयला इसी पठार से निकालते हैं, ठीक है, जहां से होकर के कर्क रेखा जा रही है छोटे नागपुर के पठार से होकर के, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इसी हिसाब से अगर विश्व में अर्जेंटीना को पढ़ें तो अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार बहुत प्रसिद्ध है, जो कि अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित है पेंटागोनिया का पठार। हमारे यहाँ छोटे नागपुर का पठार उत्तर पश्चिम में स्थित है ना, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, इन हिस्सों में भारत में स्थित है, और पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में दक्षिण में। खनिजों का भंडार कहते हैं पेंटागोनिया को, तो पढ़ लेना आप। गौमांस की मंडी को भी पढ़ लेना अर्जेंटीना में, राजधानी भी लिख लेना, और पंपास घास के मैदान भी। अभी हाल ही में अर्जेंटीना में चुनाव हुए हैं, तो जेवियर मिलेई नए प्रेसिडेंट चुने गए अर्जेंटीना के, ये भी पॉइंट नोट कर लेना, है ना। अर्जेंटीना G20 का सदस्य भी है, जो कि भारत में G20 का सम्मेलन हुआ 18वां, उसमें भाग लेने भी आए थे अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष। आगे देखो, अब बात करते हैं पहला क्रिकेट। क्रिकेट तो भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता, खेला जाता, गली गली से लेकर के, गांव से लेकर के, हर जगह। तो इंग्लैंड में हुआ और 1975 में हुआ, इसको भी आप देख लीजिएगा। क्रिकेट के तो बारे में बात ही क्या करें, क्रिकेट को अभी आप लिख लेना। भारत में तो एक तरीके से सबसे ज्यादा क्रेज है क्रिकेट का। 13वां विश्व कप अभी भारत में हुआ, जो कि 19 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक मैचेस हुए इसके, ठीक है। कुल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया। इसकी 6वीं बार विजेता बनी विश्व कप की ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6 बार विश्व कप को जीत चुकी है ना, सबसे ज्यादा बार उप विजेता भारत था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल का विश्व कप हुआ, जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। भाई साहब, अहमदाबाद कपड़ों के लिए बहुत फेमस है, मतलब मैनचेस्टर उसे बोलते हैं इंडिया में। कपड़ों का उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर अहमदाबाद के अंदर विकसित हुआ है, अहमदाबाद में, राजकोट में, सूरत में, सभी शहरों में, अगर गुजरात की बात करें तो, लेकिन अहमदाबाद ज़्यादा फेमस है इसे लेकर के, है ना। तो फाइनल हुआ और ऑस्ट्रेलिया भैया जीत ले गई, भारत को निराश कर गई 125 करोड़ की आबादी को ऑस्ट्रेलिया। और क्रिकेट ग्राउंड में बैठे थे उस समय 125,000 या 30,000 दर्शक थे, फाइनल मैच को देख रहे थे। एक टिकट विश्व कप के फाइनल की, जो व्यक्ति भारत का था, जो अमेरिका में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, अमेरिका से स्पेशल देखने आया, तो 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की तो फ्लाइट की टिकट थी इंडिया, और 2 लाख रुपए की ब्लैक में टिकट ली उसने सिर्फ फाइनल की, और उसमें भी भारत जीत गया, हार गया।
अब हार जीत तो गेम का हिस्सा है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जो प्रशंसक होते हैं वो तो उनको तो निराश होना ही पड़ता है भैया, है ना, एक उम्मीद के साथ सभी देखते हैं। अगला है देखो शतरंज। शतरंज के खेल की उत्पत्ति को लिखा है मैंने, ये भारत में ही मानी जाती है, भारत में ही इस गेम को ईजाद किया, 7वीं सदी के आसपास इस खेल के बारे में उल्लेख मिलता है हमारे हिस्ट्री में भारत में, शतरंज के खेल को लेकर के, है ना, नोट कर लेना। अगला पॉइंट लिखा है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, इसको नोट कर लेना। राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। आगे बात करते हैं वॉलीबॉल। देखो अमेरिका के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अमेरिका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, पहले तो महाद्वीप आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की बात करें तो 50 इसमें राज्य हैं अमेरिका में। अमेरिका की बात करें तो 32 करोड़ इसकी जनसंख्या है, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में अगर बात करें तो। भारत, चाइना और अमेरिका तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 50 राज्य इसमें शामिल है अमेरिका में। अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और राजधानी है वॉशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी अमेरिका में है, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे UNSC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, उसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है ना, ये नोट कर लेना। तो देखिए वॉलीबॉल का पहला विश्व कप 1949 में इसका जन्म हुआ था अमेरिका में, अमेरिका से ही माना जाता है इसका भी। अगला है हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में हुआ भाई साहब, कहाँ पे हुआ? स्पेन में हुआ था भाई साहब, ठीक है। और स्पेन से एक और बात याद आई, अभी हाल ही में महिलाओं का फीफा विश्व कप हुआ है 2023 में, महिलाओं का फीफा विश्व कप भी स्पेन ने जीता है, नोट कर लेना इस बात को। 2023 का करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेन ने जीता है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, यूरोप महाद्वीप का देश है, मैड्रिड कैपिटल है इसकी। पहले एशियन गेम्स या पहले एशियाई खेल दिल्ली में होते हैं, 1951 में हुए थे दिल्ली में, 2 बार हो चुके हैं, 1982 में भी हो चुके हैं, 2 बार हो चुके हैं, सबसे पहले 1951 में एशियाई गेम्स और दूसरी बार 1982 में, तो दोनों इवेंट लिख लेना आप। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में होता है कनाडा में, और कनाडा में शहर का नाम है हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन शहर में वर्ष 1930 में कौन से खेल हुए हैं जो पहले राष्ट्रमंडल, यानी इंग्लिश में CWG गेम्स बोलते हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि भारत में अगर बात करें तो सन 2014 में हुए थे दिल्ली में, जिनमें कि बहुत बड़ा, अब भारत में तो बात ही ऐसी है, चलो छोड़ो उसे हम बताएंगे नहीं, भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पकड़ दिया था इसी गेम्स के अंदर, 40,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया था। जो ग्राउंड्स में कुर्सी आती है बैठने के लिए, जो कुर्सी आई 150 रुपये की, उसका बिल बनाया 1,500 रुपये का, ऐसे होता है भ्रष्टाचार, बिल बना के जब दिया जाता है। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में। बेलूर मठ, ये बड़ी प्रसिद्ध जगह ली है मैंने भारत की, तो देखो बेलूर मठ कलकत्ता में स्थित है साहब, और बेलूर मठ को स्थापित करने वाले या आश्रम किसका था? रामकृष्ण परमहंस। अब इनके जो शिष्य थे वो थे स्वामी विवेकानंद, ये भी लिख लेना, या दूसरे तरीके से पढ़ लेना, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के अपने गुरु के नाम से स्वामी विवेकानंद ने एक ट्रस्ट बनाया, एक संस्था बनाई, जिसके माध्यम से उन्होंने संस्कृति का, साहित्य का, सनातन का प्रचार प्रसार किया भारत में अथवा दुनिया में भी, ठीक है। तो नाम क्या है इनका? रामकृष्ण। इसी नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका से आने के बाद। अमेरिका में 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया स्वामी जी ने। वहां से लौटने के बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन के नाम से स्थापना करी सा स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में। बारदोली आप पढ़ते होंगे, बारदोली सत्याग्रह के बारे में बहुत प्रसिद्ध सत्याग्रह, बारदोली नामक जगह सूरत में स्थित है असल में, ठीक है। और सूरत कहाँ भाई साहब? गुजरात में। अब सूरत में कौन सी नदी बहती है भाई साहब? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत शहर। अब सूरत को बताने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन कम पड़ जाएगा इधर बोर्ड, तो इस वजह से खाली ताप्ती नदी पढ़ो। ओकाई बांध भी है जहाँ पे, एक बहुत फेमस, एक काकरा पार बांध भी है बहुत फेमस, काकरा पार, ये दोनों बांध सूरत में स्थित हैं, दोनों के दोनों ताप्ती नदी पर ही स्थित हैं, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह सूरत में हुआ, वर्ष 1928 में हुआ था जी। इस सत्याग्रह का नेतृत्व तो महिलाएं कर रही थी, लेकिन महिलाओं ने जो चार्ज दिया वो किसको दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला करके। तो वल्लभ भाई पटेल ने महिलाओं के साथ अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर भाग लिया इस सत्याग्रह में, बारदोली वाले में। तो सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह के बाद इनके नाम के साथ जोड़ी गई। प्रश्न आता कि भाई सरदार की उपाधि कब दी, कौन सी वर्ष में दी और किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने
गांधी जी के माध्यम से ये उपाधि दिलवाई थी, गांधी जी को बुलाया था चीफ गेस्ट के तौर पर, गांधी जी से दिलवाई। जैसे मान के चलो आज किसी कॉलेज में कोई फंक्शन होता है तो उपाधियां देनी होती हैं कॉलेज के स्टाफ को, लेकिन कॉलेज वाले क्या करते हैं किसी ना किसी अपने चीफ गेस्ट को बुला लेते हैं, उनके माध्यम से विद्यार्थियों को दिलवाते हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी जी के हाथों से दिलवाई थी सरदार की उपाधि, तो तभी से नाम पड़ा सरदार। वैसे नाम था वल्लभ भाई पटेल। पटेल एक गोत्र होता है जो कि गुजरात में सबसे ज्यादा लोग पटेल आपको मिलेंगे, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे हैं ना। आगे देखिए आनंद भवन, बहुत प्रसिद्ध अब तो संग्रहालय है जे आनंद भवन। आप कभी इलाहाबाद जाइएगा तो इलाहाबाद में स्थित है जे आनंद भवन या प्रयागराज इसका नया नाम है। 1930 में इसका निर्माण कराया था मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, पिता थे, उन्होंने निर्माण कराया था। बाद में प्रधानमंत्री रहे एक लंबे समय तक उनके परिवार से ही लोग, जैसे जवाहरलाल नेहरू बहुत लंबे समय तक रहे है ना, इंदिरा गांधी जी रही, उनके पुत्र राजीव गांधी जी रहे, एक ही परिवार के दो तीन लोग प्रधानमंत्री रहे। तो उन्हीं के योजनाओं को या उनके शासन में जितने कार्य हुए उनको लेकर के एक म्यूजियम बना दिया है। तो आनंद भवन प्रधानमंत्री के शासन कालों से संबंधित इसमें म्यूजियम है, और गांधी परिवार से संबंधित जो भी है ना। तलवंडी नामक जगह बहुत प्रसिद्ध है साहब, जे पंजाब राज्य में स्थित है, लेकिन पंजाब राज्य पाकिस्तान वाला है, ये भारत का नहीं है, पंजाब राज्य है। और पंजाब राज्य की जो राजधानी है वो लाहौर है भाई साहब। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? लाहौर। और लाहौर के पास में स्थित है जगह का नाम है तलवंडी। इसी जगह पर 1469 को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी और पहले गुरु थे, 10 गुरु टोटल हुए इस धर्म में, सिख धर्म में। तो सिख धर्म की स्थापना 1469 में हुई थी, माफ कीजिए इनका जन्म 1469 में हुआ था। तो 1469 का मतलब है 15वीं सदी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था भाई साहब दूर दूर तक, उस समय तो सिर्फ एक ही था देश का नाम था हिंदुस्तान या भारत। तो उस समय तो भारत था, लेकिन बाद में विभाजन हो गया तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। तो इस वजह से पंजाब राज्य, पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर, और लाहौर में स्थित तलवंडी जहाँ पर जन्म हुआ सिख धर्म के पहले गुरु, जिनका नाम गुरु नानक देव जी, और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो 10 गुरु हुए, पहले गुरु नानक और अंतिम 10वें गुरु गोविंद सिंह है ना। वो पटना साहिब में उनका बड़ा उत्सव लगता है उनके नाम से। पांडचेरी, पांडचेरी एक ऐसा राज्य है भारत का जो पूरब में भी है और पश्चिम में भी है, सिर्फ एक ही राज्य है ऑल ओवर इंडिया में, पूरे संपूर्ण भारत में। पांडचेरी को वर्तमान में पुडुचेरी बोलते हैं। पांडचेरी को बसाने का जो श्रेय जाता है वो फ्रांसीसियों को जाता है, फ्रांस के लोगों ने बसाया था एक गांव के तौर पर, उसी गांव के तौर पर आगे बढ़ते बढ़ते अब राज्य का रूप है इस समय भारत में। तो ये पूरब में भी है और ये पश्चिम में भी है। पांडचेरी एकमात्र राज्य जो पूरब और पश्चिम में। दूसरा प्रश्न बनता है, पांडचेरी एकमात्र राज्य भारत का जो तीन राज्यों में विस्तार है इसका। कितने राज्यों में? तीन राज्यों में। तमिलनाडु में एक जिला है इसका, एक जिला आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में कराईकल है इसका, और केरल में माहे है। तो ये तीन जिले हैं इसके तीनों राज्यों में। पांडचेरी को पढ़ लेना। और पांडचेरी में मैंने आपको प्रश्न बता रहा हूँ अरविंद घोष से संबंधित। अरविंद घोष जाने माने क्रांतिकारी थे, लेकिन एक समय पर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, और संन्यास धारण करके ये पांडचेरी चले गए और वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना करी, उसी आश्रम में इनका जीवन यापन चला। तो उससे ये प्रसिद्ध है पांडचेरी। कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, और जन्म तो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं 563 ईसा पूर्व। अब कपिलवस्तु, कपिलवस्तु क्या है? तराई वाला क्षेत्र है नेपाल का। कैसा क्षेत्र है? तराई का, तराई इन द सेंस ऑफ जहाँ पर आसपास नदियों की उत्पत्ति हो रही है, छोटी मोटी नदियाँ बह रही हैं, ऐसे क्षेत्रों को तराई का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो कपिलवस्तु नेपाल का क्या है भाई साहब? एक जिला भी है, मैं आपको बताऊँ। जैसे हमारे यहाँ मथुरा की बात करें, आगरा की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, सीतापुर की, लखनऊ की, सोनभद्र की, ऐसा कपिलवस्तु एक जिला है। इसी जिले में एक गांव है और गांव का नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था किनका? महात्मा बुद्ध जी का। तो पढ़ लेना इसे, है ना। नेपाल में पावापुरी, पावापुरी नालंदा जिले में स्थित है, जो बिहार का बहुत प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय भी बहुत प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग जो बाहर से लोग आए वो अध्ययन करके गए। किस चीज़ का? बौद्धिज्म का, बौद्ध धर्म के बारे में इसमें शिक्षाएं दी जाती थी, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है कि इसका पुस्तकालय इतना बड़ा था, लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, इतनी पुस्तकें थी इसमें, कि जब इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास नष्ट किया, तो 6 महीने तक इसके अंदर अग्नि मतलब आग बुझी नहीं थी, ऐसा इतिहास में लिखा है और इसके बारे में कहा भी जाता है कई जगह।
ठीक है, इतना बड़ा विशाल इसका पुस्तकालय था नालंदा विश्वविद्यालय का, जो कि बिहार में स्थित है। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित है पावापुरी, और पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था महावीर स्वामी जी ने, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे कायदा से। इन्हीं को माना जाता है कि जैन धर्म की वास्तविक स्थापना महावीर स्वामी जी ने की थी, लेकिन जैन धर्म में पढ़ेंगे तो 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब है उनके भगवान, ठीक है। पहले थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उनको माना जाता है वैसे कि भाई जो पहला आएगा वही माना जाएगा संस्थापक, लेकिन पहले से लेकर के कुछ 18, 20, 22 तक जो तीर्थंकर हैं वो विवाह देते हैं या पुस्तकों में उनका संपूर्ण जानकारी नहीं है। इस वजह से महावीर स्वामी को वास्तविक, चूंकि इनकी संपूर्ण जानकारी तो माना जाता है। भगवान पार्श्वनाथ का भी उल्लेख बहुत अच्छा खासा है, जो कि झारखंड में एक पहाड़ी है पारसनाथ के नाम से, पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी भी है झारखंड की, उसी पर भगवान पार्श्वनाथ, और कहा जाता है जैन धर्म के तकरीबन 18 से 20 लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया था उसी एक पहाड़ी के आसपास के हिस्सों में। तो भगवान पार्श्वनाथ का ज़्यादा महत्व है, वहाँ पर लोग जाते हैं जैन धर्म वाले जुड़े हुए झारखंड में, है ना। तो ये यहाँ पर स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। और कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करी, ये भी प्रश्न आता है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बसाया, अपने समय में स्थापित किया, तो कुमार गुप्त नामक शासक, जो कि गुप्त वंश का शासक था, उसने स्थापना करी इसकी। आगे जीरा देई, ये गांव का नाम है भाई साहब, हमने लिया है जीरा देई, एक गाँव का नाम है जो सीवान जिले में स्थित है, और सीवान मतलब बिहार, ठीक है, बिहार राज्य का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका जन्म हुआ था इस गांव में, पहले राष्ट्रपति का जन्म वाला गांव है जीरादेई, सीवान जिला है बिहार का, नोट कर लेना। श्री रंगपट्टनम, सुना ही होगा आपने, कर्नाटक में स्थित है। टीपू सुल्तान काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे यहाँ के, और इनके पिताजी भी थे हैदर अली, पिता और पुत्र दोनों ने शासन किया एक लंबे समय तक श्री रंगपट्टनम। श्री रंगपट्टनम आज के समय में एक शहर तो है कर्नाटक का, एक टापू भी है जो कि कावेरी नदी के पास में स्थित है, ठीक है, या कावेरी नदी बनाती है इस टापू के पास से होकर के बहती है, श्री रंगपट्टनम, ये पॉइंट नोट कर लेना। 1799 में हम जाएंगे, मतलब 18वीं सदी में बिल्कुल, तो 1799 में यहाँ पर वेलेजली था एक वायसराय, उसके समय में इनका मृत्यु हो गई थी श्री रंगपट्टनम में, इनकी टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान जाने मानक शासक और राजा कहे जाते थे दक्षिण भारत के, यानी कि कर्नाटक के। कोरसिका द्वीप, जैसे टापू होते हैं ना समुद्र के भीतर जिनके चारों तरफ पानी है, कोरसिका द्वीप या टापू बोलते हैं, ये इटली में स्थित है। और अब भाई आप कहेंगे गुरुजी इटली में भाई टापू के चारों तरफ पानी होता है तो वो बताओ सागर, तो भूमध्य सागर में स्थित है, लिख लेना, भूमध्य सागर में ये द्वीप स्थित है, इसका नाम है कोरसिका द्वीप, लेकिन इटली के सीमा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हुआ था महान नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बहुत बड़े नायक रहे, नेपोलियन बोनापार्ट जन्म हुआ था इस जगह, है ना, भूमध्य सागर, नोट कर लेना। शांति निकेतन आश्रम बंगाल में स्थित है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने स्थापना करी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के पुत्र थे रविंद्र नाथ टैगोर जी, जिन्होंने भारत की साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान था, पिता और पुत्र का, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है जी। आरे विले आश्रम, कौन सा आश्रम है जी, आरे विले, आरे विले आश्रम स्थित है आपका पुडुचेरी में, अरविंद घोष से संबंधित यह आश्रम में प्रसिद्ध रहा है इनका जी आश्रम, संन्यास धारण करके इसी आश्रम में रहे थे काफ़ी लंबे समय तक अरविंद घोष। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस 1863 में बना था संगठन, और इसका मुख्यालय जो जेनेवा से ही चलता है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, रेड क्रॉस। हेनरी ड्यूंट नामक एक व्यक्ति ने इसको स्थापित किया, हेनरी ड्यूंट, युद्ध पीड़ितों की मदद करता है ये संगठन विश्वभर में, जैसे दो देशों में, दुनिया भर के अलग अलग देशों में फ्रंट खुले हुए हैं इस समय, लड़ाइयाँ चल रही हैं दुनिया के देशों में, तो जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिन लोगों का कोई लेना ना देना लड़ाइयों से और युद्धों से, तो वहाँ उन लोगों की मदद करता है ये विभाग, ये डिपार्टमेंट, रेड क्रॉस। 8 मई को दिवस भी मनाया जाता है, 8 मई पढ़ लेना, रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को। कश्मीर का अकबर, जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर, इसने शासन किया था एक लंबे समय तक, इसकी नीतियां ऐसी थी जैसे अकबर की थी भारत में, जैसे गौ हत्या पर भारत में किसने प्रतिबंध लगाया, अकबर ने, कि भाई गौ हत्या नहीं होगी हमारे शासनकाल में, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, जैसे जजिया कर को ख़त्म किया था 1564 में सम्राट अकबर ने या राजा अकबर ने, है ना, और बहुत सारी बुराइयों को समाप्त किया था,
सेम वही काम अकबर में किया इस व्यक्ति, माफ कीजिए कश्मीर में किया इस व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने किया, जैनुल आबदीन। तो इस वजह से क्या नाम पड़ गया, कश्मीर का अकबर। विरोधाभासों का मिश्रण, एक शासक को कहा जाता है विरोधाभास, विरोधाभासों का मिश्रण था इसके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरीके से था कि इतिहासकारों ने दो चीजें लिखी हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एक बात लिखी है कि सबसे ज्यादा विद्वान था दिल्ली सल्तनत में, यह व्यक्ति पूरे दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये पांच वंश थे। इन सभी पांच वंशों में यदि कोई राजा, कोई शासक, कोई सुल्तान क्या बोलते हैं उसे, विद्वान था, कई भाषाओं का उसे ज्ञान था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ज्योतिषी का इसे ज्ञान था भाई साहब, है ना, गणतज्ञ ये था, अलग अलग विधाओं का इसे ज्ञान था। अगर पढ़ेंगे डिटेल्स में, ज्ञान होना अलग, उनकी एक्सपर्टीज हो गई, लेकिन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, शासन होने के बाद आप शासक है किसी राज्य के, तो जनता के लिए चीजों को इम्प्लीमेंट करना, स्थापित करना, वो किस हिसाब से होगा, कैसे होगा, उसके लिए एक अलग नजरिए की आवश्यकता होती है, वो नहीं था इनके पास, भाई साहब के पास। तो भाई साहब के सॉरी भाई साहब के पास वो नहीं था, तो इन्होंने पांच योजना शुरू करी अपने अलग अलग समय पर। जैसे कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है तो योजना लाता है जनता के हित के लिए, सेवा के लिए, कि भाई जनता को कैसे सहूलियत दूं अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं शासन में कर रहा हूं। तो पांच योजना लाई और पांचों की पांचों असफल हो गई इनकी योजना। इस वजह से कहा इतिहासकारों ने कि विरोधाभासों का विरोध रहे उसके व्यक्तित्व जीवन में हमेशा। एक तरफ विद्वान था, वो एक्सपर्टीज थी, विद्वान होने के साथ साथ, कई विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ, जो चीजों को इसने इंप्लीमेंट किया वो फेल होती रही, वो फेल होती रही, जाती रही फेल, है ना। जैसे हिमाचल में कांगड़ा वाले एक इलाका पड़ता है, कांगड़ा बर्फबारी होती है, बहुत फेमस इलाका है, सेबों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उस इलाके में। इसने अपनी सेना भेज दी लड़ने के लिए हिमाचल, आप समझ ही रहे हैं, अभी बर्फबारी हो रही है बहुत अच्छी खासी हिमाचल में, आप देख रहे होंगे टीवी में, अखबारों में। अब जो इलाका जहां माइनस में तापमान रहता है, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसमें कि लघु हिमालय का सबसे ज्यादा विस्तार है, धौलाधर पर्वत श्रेणी का सबसे ज्यादा विस्तार है, वो जब भी था और वो आज भी है, अब वहां पर तुम सेना भेज दी उन्होंने सर्दियों में लड़ने को, बताओ। नॉर्थ इंडिया में जो सामान्य उत्तर भारत है वहां तो सर्दी झेलती नहीं है लोगों पर, वहां सेना लड़ने भेज दी, तो वो माइनस में वैसे ही बर्फ के चक्कर में, अवलांच के चक्कर में मारे गए। एक कैपिटल इन्होंने बदली थी, सबसे विवादित मामला था, एक राजधानी इन्होंने बदली, दिल्ली से दौलताबाद ले गए, देवगिरी को ले गए, वो सबसे विवादित था मामला। ना तो दिल्ली रही इनके हाथ में, ना दौलताबाद रहा, ऐसा इतिहासकारों ने कहा, है ना। तो पांच योजनाओं को विवादों में ले गए, तो इस वजह से क्या बोल दिया इनके नाम के साथ, विरोधाभासों का व्यक्तित्व में मिलेगा तो मिश्रण मिलेगा एक ही में, जिसका नाम है MBT, शॉर्ट में पढ़ें तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक अध काम इसका ठीक भी था, जैसा कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र शासक था जो होली के त्यौहार को मनाता था बहुत अच्छे से, हिंदुओं के साथ शामिल होकर के सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को बुलाता था, और तब भी होली आती थी साल में, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता था होली के त्यौहार को मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे काम, जन नायक, जन का मतलब जनता के नायक, जनता ने ही ये नाम दिया था इनको जन नायक, कर्पूरी ठाकुर साहब, कर्पूरी ठाकुर जो कि अभी चर्चा में थे, इनको भारत सरकार ने मरणोपरांत अनाउंसमेंट किया, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे दो बार, एक बार चीफ मिनिस्टर, दो बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे, है ना, विधायक लगातार रहे जीवन भर, तब तक इनकी मृत्यु हुई। अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक 50 वर्ग गज का प्लॉट भी नहीं खरीद पाए, इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद भी, ऐसे ईमानदार नेता भी भारत के रहे, और ऐसे भी रहे कि जो गांव के प्रधान जी है जाएं या ब्लॉक के प्रमुख है जाएं, तो वो पूरा का पूरा फार्म हाउस खरीद दें आसपास के इलाकों तक, ऐसे भी हैं। तो हर तरीके के नेता आपको मिलेंगे, है ना। हाँ, तो कर्पूरी ठाकुर साहब को मरणोपरांत अभी 49वें भारत रत्न से घोषणा कर दी भारत सरकार ने, और भारत रत्न की चर्चा कर रहे हैं तो हम 50वें भारत रत्न की भी भारत सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा करी, और आज ही घोषणा करी है। वो बीजेपी के पूर्व नेता और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को अनाउंसमेंट कर दिया देने का नरेंद्र मोदी जी ने, चूंकि उनका भी एक भारतीय राजनीति में और बीजेपी की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों साथ के नेता थे, ठीक है। तो उनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो कि उनका निधन हो गया अब तो नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी को 50वां भारत रत्न दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में ट्विटर से ट्वीट करके बताया था कुछ देर पहले ही, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना, जंतर मंतर दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है,
और इसके अलावा जयपुर में भी है, ठीक है। ये तीन जगह तो बहुत परमानेंट हैं जो जीएस की किताबों में लिखी मिलेंगी, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर। राजा सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया, ठीक है। जंतर मंत्र का मतलब खगोलीय वेदशाला, इनमें कुछ ना कुछ जानकारियों को जुटाया जाता था, रिसर्च होती थी, अनुसंधान होता था। खगोलीय, खगोल के बारे में मतलब ब्रह्मांड के बारे में, वेदशालाएं होती थी जे, ठीक है। तो जंतर मंत्र लिख लेना जी, राजा सवाई जयसिंह। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है साहब, चित्तौड़गढ़ का तो नाम सुना ही होगा आपने, चित्तौड़गढ़। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया, और चित्तौड़गढ़ वही जगह है जहाँ पे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में। हल्दी घाटी की लड़ाई में एक तरफ थे कौन थे, अकबर थे, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जो अपने वर्चस्व के लिए, अपने राजकाज के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो बहुत लड़ाई हुई थी, अरावली की पहाड़ियों में पढ़ते हैं इसको, अरावली की पहाड़ियों का विस्तार है यहाँ पे, और वहीं पे ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी की लड़ाई। कंदरिया महादेव का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है, कंदरिया महादेव के नाम से फेमस है, खुजराहो में स्थित है ये मंदिर, और खुजराहो कहाँ है, एमपी में। चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया था, चंदेल राजाओं ने, है ना। कंदरिया महादेव मंदिर इसको नोट कर लेना, या डायरेक्ट कभी कभार प्रश्न रहता है खुजराहो के प्रसिद्ध मंदिर कौन से राज्य में स्थित है भारत में, तो खुजराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अगर डिस्ट्रिक्ट भी लिखना चाहो तो छतरपुर लिख लेना, और वैसे तो सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बाबा ने इतना फेमस कर दिया छतरपुर कि उसके कोई जवाब नहीं है। जो बागेश्वर धाम वाले हमारे बाबा हैं, वो भी उनकी जो पीठ है या जो पीठाधीश्वर हैं वो छतरपुर में ही उनकी पीठ है। श्री हनुमान जी की उन्होंने सेवा करी है, तो आप भी सेवा करो श्री हनुमान जी की, तो वहाँ देख लो कितनी कृपा है, तो आपके ऊपर भी कृपा रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।